क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गई हो तुम? क्या जरूरत थी नौशेरवा से इस अंदाज से बात करने की? अम्मा साहिब, आप कैसे कह सकती हैं? आपने देखा नहीं, उस घर की आई लड़की के लिए मुझसे सवाल कर रहे थे, उस दो टके की लड़की के लिए मुझे संगीन नताइज की धमकी दे गए। शुक्र करो कि तुमसे सवाल किया है उसने, अगर मुंह तोड़ जवाब दे देता तो क्या करती तुम? आप तो ऐसे ही कहेंगी, आप किसी के बेटे जो हैं, मैं कौन हूं? सिर्फ बहू जो पहले एक बेटे की निकामी थी और फिर हमें दूसरे बेटे की निकामी, बगैर किसी चाहत के। मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों से कि मेरे बेवा होने के बाद मुझे नौशेरवा की निकामी दे दे। ये तो आपका और बाबा साहिब का फैसला था अम्मा। हाँ कश्माला, हमारा फैसला ही था और ये फैसला हमने तुम्हारे और बच्चों की भलाई के लिए किया था। ऐसी कैसी भलाई अम्मा साहिब, ये कैसी भलाई है? निकाह के दिन से लेकर आज तक वो अजनबियत के उसी मोड़ पर खड़े हुए जहां वो थे, और अब बसाई में उफ ना करती, कुछ ना कहती, चुप रहती। सौकट का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बसाई। अपने आप को संभालो कश्माला, इस बात को समझो, नौशेरवा मर्द है और मर्द दूसरी शादी कर सकता है। शायद उसने नेकी ही का काम किया है, एक मजबूर लड़की को उस दलदल से निकालकर अपना नाम देखकर उसे इज्जत दी है, उसे एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। ऐसे शौहर पर तो फख्र किया जाता है कश्माला। ऐसे कैसे फख्र करूं अम्मा साहिब, क्या कह रही हैं आप? वो मेरी तरफ सारी जिंदगी नजर उठा के ना देखते मुझे मंजूर था, मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहती अम्मा साहिब, लेकिन दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझे उनके साथ, किसी कीमत पर नहीं। अब तुम खुद गर्ज बन रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा सारी जिंदगी वीरान दिल के साथ गुजार दे? पहले भी एक बार हमने तुम्हारी खातिर उसके दिल की कुर्बानी मांगी थी और उसने दे दी। आज इतने सालों के बाद उसका दिल फिर से किसी के लिए धड़क रहा है तो तुम उसके दिल की जमीन को अपनी आहों से बंजर करना चाहती हो? और मैं अम्मा साहिब, मेरे दिल का क्या, मैं इस दिल का क्या करूं? मैं मेरी ऊंट की अम्मा साहिब, ये जुल्म है मेरे साथ। अम्मा साहिब कुछ कर, मैं आपसे भीख मांग सकती हूँ अम्मा साहिब, मैं नौशेरवा को नहीं देख सकती उस लड़की के साथ, अम्मा साहिब नहीं देख सकती, आपके पैर पकड़ती हूँ, कुछ कीजिए, उस लड़की को निकाल दे अब्बा साहिब, अब्बा साहिब, अब्बा साहिब।